हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोगा वर्धा एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जे क्वेरी को सीखने की सीरीज में से लेक्चर नंबर 44 है, जिसमें हम बात करेंगे पेज एक्शन पेज वाइज प्रॉपर्टी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमने नोटपैड में यहाँ पर एक पी टैग लिया है, एक डिव टैग लिया है, जे क्वेरी फाइल को लिंक किया है और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, यहाँ पर जे क्वेरी का बेसिक सिंटैक्स लिखा है। और यहाँ पे हम इसको तो हटा देते हैं। यहाँ पर हमने डिव को हमने विड्थ हाइट और बैकग्राउंड को रेड दिया है और इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। तो बेसिकली जो पेज एक्स और पेज वाई जो हमारे मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, बेसिकली हमारे इवेंट ऑब्जेक्ट के फंक्शन होते हैं, इवेंट पर रन करते हैं। तो ये करते क्या, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अगर हम अपने लोकेशन गेट करना चाहते हैं अपने कर्सर की, तो हम वो हम गेट कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे, तो बेसिकली हम यहाँ पर प्रैक्टिकल में करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैं अपना इस डॉक्यूमेंट पे पेज को अपने कर्सर को मूव करता हूं, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को मैं अपने स्पीड टैग में प्रिंट करा दूं। तो मुझे यहां पर अपना सेलेक्टर बनाना होगा कि मैं जब डॉक्यूमेंट, या फिर मैं विंडो भी लिख सकता हूं, जब मैं विंडो पे माउस को मूव करूँगा तो यहाँ पर एक फंक्शन चलेगा। ठीक है, इस तरह से फंक्शन यहाँ पर चलेगा। और फंक्शन क्या करेगा, एक सेलेक्टर बनेगा, सेलेक्ट में पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट मेथड हम यहाँ पे कॉल कराएंगे। और टेक्स्ट मेथड में हम यहाँ पर इवेंट के मेथड कॉल कराएंगे। तो हम लिखेंगे कि टॉप से जो वैल्यू है उसकी, तो यहाँ पे ई वी एन टी इवेंट डॉट पेज वाई, इस तरीके से प्लस का सिंबल, मतलब कॉनकैटिनेट का सिंबल लगाया। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट से जो वैल्यू है उसकी, कॉनकैट सिंबल लगाया, यहाँ पर लिखेंगे इवेंट डॉट पेज वाई, एक्स, इस तरीके से। हम यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है, मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा क्योंकि इवेंट के मेथड्स हैं, तो इवेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए, जैसे मैं अपना कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो मुझे उसके लेफ्ट एक्सिस और वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट्स हमारे पैराग्राफ के अंदर प्रिंट हो गए इस तरीके से। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको हम हटा के यहाँ से, इतना अगर हम काम नहीं करना चाहते तो हम एक वेरिएबल एक्स बना लेंगे और एक वेरिएबल हम वाई बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई वी एन टी इवेंट डॉट, यहाँ पर हम लिख देते हैं पेज, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, कि एक्स की वैल्यू इसके अंदर आ जाए इस तरीके से। और यहाँ पर इवेंट डॉट पेज वाई, कि वाई की वैल्यू इस दोनों वेरिएबल में आ जाए। और इन दोनों वेरिएबल्स को हम प्रिंट करा लेंगे अलर्ट में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टॉप से कितना है कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू, यहाँ पे इस तरीके से। फिर कोऑर्डिनेट सिंबल लगा के हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट से कितना है, यहाँ पर वाई की वैल्यू डाल देंगे, एक्स की वैल्यू, इस तरीके से। सेव किया, रिफ्रेश। जैसे पर यहाँ पर आपको प्रॉपर कोड समझ नहीं आया, क्योंकि जब ये मूव करूँगा तुरंत मेरा अलर्ट चल जाएगा। ये देखिए, अलर्ट चल गया। ओके, ये देखिए, जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तुरंत मेरा अलर्ट चल रहा है। ये देखिए, वैल्यू भी चेंज हो रही है। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि तुरंत मेरा कर्सर चल रहा है, तुरंत मेरा ये विंडो पे मैंने इवेंट लगाया है, तो इसलिए आपको ये प्रॉपर यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पर इवेंट हमारा कॉल हो रहा है। ठीक है, या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम वेरिएबल में प्रिंट करा सकते हैं, डिव में प्रिंट करा सकते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इनकी वैल्यू को हम बनाते हैं, सेलेक्टर बनाते हैं यहाँ पर, और पी टैग हम बनाते हैं। पी एक की वैल्यू मैं पी में सेलेक्ट करा लूँगा, पी टैग में डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर मैं करा देता हूँ वाई एक्स की वैल्यू, और डॉलर यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपने डिव की वैल्यू, डॉट टेक्स्ट यहाँ पर वाई, वाई की वैल्यू। सेव करके करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए, ठीक है, हमने पैराग्राफ में और डिव में अलग अलग यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा दिया इनकी, इस तरीके से। मैंने अब हम एक काम और कर सकते हैं। मैंने जब आपको पे अब ऑफसेट मेथड पढ़ाया था, बेसिकली मैं आपको ऑफसेट की जानकारी थोड़ी दे देता हूँ कि करता क्या, विंडो के अकॉर्डिंग काम करता है। जब हम किसी भी एलिमेंट पर उसको क्लिक चलाते हैं, तो वो टॉप से लेफ्ट से कितना पिक्सल हमने उसको दिया हुआ है लोकेशन, तो वो हमको वैल्यू गेट करके देता है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं डिव पर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, तो मेरा एक फंक्शन चले, इंटरनल फंक्शन होगा वो। और उस फंक्शन में क्या होगा, उस फंक्शन के अंदर मैं कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कराना चाहता हूँ कि मैं डिव पर जब क्लिक करें, तो मैं यहाँ पर अलर्ट में यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ऑफसेट मेथड की। तो एक काम करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर अलर्ट में मैं क्या करा रहा हूँ, डिव पर, मैं डिव पर इस मेथड को कॉल करा रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर इस तरीके से, एक सेकेंड, ये यहाँ पे कि डिव पर मैं कॉल करा रहा हूँ ऑफसेट मेथड।
ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे अब ऑफसेट मेथड को सेट करना पड़ेगा, या हम एक काम कर लेते हैं, ऐसा ना करके हम एक काम कर लेते हैं, तो मैं एक वेरिएबल एक्स बना लेता हूँ और उस पे ऑफसेट मेथड की वैल्यू मैं गेट कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। मैं यहाँ पर जैसे मैंने पिछले लेक्चर में किया था डिव डॉट ऑफसेट, ठीक है, इस तरीके से ऑफसेट की वैल्यू हमारी एक्स वेरिएबल के अंदर आ जाएगी और यहाँ पर हम अलर्ट के अंदर उन दोनों वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे इसके अंदर। यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं एक्स डॉट टॉप कॉन्केट सिंबल एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर एक्स डॉट एल ई एफ टी लेफ्ट, ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। अब मैंने क्लिक किया, ये देखो मैंने टॉप से और राइट से कितना पिक्सल दिया हुआ है इसको, ठीक है। अभी मैंने बाकी ऊपर से 16 पिक्सल हमारा 8 पिक्सल का स्पेस दिखा रहा है टॉप से, ये आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली मैंने बताया था क्या कि आपको ये विंडो के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है, अपने विंडो के अकॉर्डिंग काम करता है ये, विंडो से ही आपको यहाँ पर ऑफसेट आपको कितना मार्जिन है वो देगा। तो हमें काम करते हैं, जब मैं माउस को मूव करूँगा अपने पेज एक्स और पेज वाई के थ्रू, उनकी वैल्यू को मैं गेट कराकर ऑफसेट के थ्रू मैं डिव में सेट करा दूँगा, जिससे क्या होगा, जहाँ जहाँ मेरा माउस जाएगा वहाँ वहाँ मेरा डिव जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो फटाफट से इसको बनाते हैं। हम करेंगे डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट या विंडो कुछ भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो पर जब मैं माउस को मूव करूँगा तो यहाँ पर एक मेरा एक फंक्शन चलेगा, फंक्शन चलेगा इंटरनल, और यहाँ पर मुझे इवेंट पास करना होगा ईवीएंट इवेंट। तो मैं क्या कराऊँगा, एक वेरिएबल एक्स के अंदर मैं यहाँ पर क्या कराऊँगा, ईवीएंट इवेंट डॉट पेज एक्स की वैल्यू ले लूँगा और वेरिएबल वाई के अंदर इक्वल में ईवीएंट इवेंट डॉट पेज वाई की वैल्यू यहाँ पर मैं ले लूँगा इस तरीके से। अब मुझे सेट करनी है डिव के अंदर, तो मैं सेलेक्टर बनाऊँगा यहाँ पर इस तरीके से, डिव लिखा मैंने, एक सेकेंड, डिव मैंने यहाँ पे लिखा, डॉट लगाया मैंने और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑफसेट मेथड। और जब ऑफसेट मेथड के अंदर अगर आप खुद वैल्यू सेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स को, तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। तो मैं लिखूँगा टॉप से कितना, तो टॉप पे मैंने डाल दी वाई की वैल्यू, फिर लगाओगे कोमा, लेफ्ट से कितना, तो कोलन डाल के लगा दोगे आप एक्स की वैल्यू। इस तरीके से वैल्यू से डालते हैं हम इसके अंदर ऑफसेट मेथड के अंदर, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे और टॉप से कितना वाई से कितना, सेव करते हैं। अब करते हैं रिफ्रेश, ये देखो जहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है वहीं मेरा डिव मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंपनी का लोगो भी लगा सकते हो जो आपकी वेबसाइट पर अच्छा फील देगा इस तरीके से। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, इसमें आपने सीखा पेज एक्स और पेज वाई मेथड कैसे यूज़ करते हैं और उसको ऑफसेट के साथ में कैसे यूज़ करते हैं और ऑफसेट के अंदर अगर हम खुद से कोऑर्डिनेट सेट करना चाहते हैं वो कैसे करते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय।